तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है ना, काफी बज वर्ड है आज के टाइम। मतलब हर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहता है। सब ये चाहते हैं कि फाइनेंस में जाने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, और क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा पैसा है। बट चलो एक बार डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पूरी काम कैसे करती है, और बेसिकली हर एक चीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है या कुछ पर्टिकुलर फील्ड होते हैं जिनको आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोल सकते हो। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के भी काफी सारे डिविजन होते हैं। लेट से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 10 डिवीजन में बटी हुई है, जिसमें हमारा डील एडवाइजरी, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, सेल्स एंड ट्रेडिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस, ड्यू डिलीजेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट कमर्शियल बैंकिंग और आपकी मर्चेंट बैंकिंग, और उसके अलावा जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी इक्विटी रिसर्च, डेट रिसर्च, डेट सिंडिकेशन, ये सारी चीज़ें आती। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, जो बायर मार्केट्स होती हैं, बॉन्ड्स एंड शेयर्स होते हैं, और आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। जैसे आप ये पीपीटी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक कॉर्पोरेट्स होता है हमारा जो यहाँ पे ये चीज़ काम करता है। जैसे यहाँ पे आपके कॉर्पोरेट्स कंपनीज, आपकी गूगल, फेसबुक टाइप, ये बाय साइड फंड मैनेजर्स। और लेट से अभी जैसे गूगल को किसी कंपनी को खरीदना है, गूगल को खरीदना है कल को माइक्रोसॉफ्ट, तो ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट और ये हो गया गूगल। ऐसा तो नहीं है दोनों आपस में जाके बात करेंगे, ले साहब हम आपकी कंपनी खरीदना का चाहते हैं और आ जाओ हमारे पास, तो ये चीज़ कभी नहीं होती, और ना ही वो उस चीज़ पे नेगोशिएट होंगे। तो अभी रोल आता है बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का। तो वो दोनों एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएंगे कि बॉस ये उसको कंपनी खरीदनी है और हमें बेचनी है, तो आप एक काम करो, राइट वैल्यू बताओ धंधे कि किस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, बस किस हिसाब से हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। और लेट से मेरे बिजनेस की वैल्यू आज 1000 करोड़ रुपए, तो वो 1000 करोड़ में सही मांग रहा हूँ गलत है, और मैं उसको कैसे मांगू। इसी तरह फेसबुक आएगा इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू मेरे को बताओ, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट को खरीदना है, और अगर उसके 1000 करोड़ वैल्यू है तो उसको मैं कम में कैसे खरीद सकता हूँ, लेट से 900 करोड़ में कैसे खरीद सकता हूँ, क्या उसके बेसिकली पैरामीटर्स हैं जिन पर मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। तो इन सारे कामों को करने का जिम्मा आन पड़ता है इन्वेस्टमेंट बैंकर के कंधों में, कि कंपनी को वैल्यू कैसे किया जाए। प्लस आपने वैल्यू कर दिया, चलिए आपने कंपनी को वैल्यू कर, अब ठीक है उसको बायफॉगेट कैसे किया जाएगा, अब देखा कैसे जाएगा कंपनी के साथ डीलिंग कैसे जाएगी, प्लस वैल्यूएशन के क्या मेथड्स यूज होंगे, DCF लगेगा, रिलेटिव लगेगा, क्या लगेगा। उसके साथ साथ आप बेसिकली सही जजमेंट कर रहे हो, आप नेगोशिएशन कैसे करोगे, एक बंदा 1000 बोल रहा है, एक 900 बोल रहा है, तो उस बीच में एक पॉइंट पे लेके आना, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम। तो मेनली इसके लिए स्किल्स क्या चाहिए होती है, सबसे पहले आपकी फाइनेंस स्किल्स, आपको सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, मतलब वैल्यू करना धंधे को, PPTs बनाना, अच्छे से प्रेजेंट करना, अच्छे से एक्सेल की स्किल्स होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो सकती है, बेसिकली आप ग्रेजुएशन के बाद भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हो, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और उसके बाद आप एनालिस्ट या मैनेजर की पोजिशन तक जा सकते हो। उसके बाद फिर अगर आप बेसिकली अगर करना चाहते हो, लेट से आपको मास्टर सीधा ही एक अच्छी पोजिशन में जाना, तो आप MBA के बाद भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, दोनों चीज़ें होती हैं। तो वो बेसिकली इसमें कोई ये वाली बात है नहीं कि आप किस चीज़ में घुसोगे, क्वालिफिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं मेनली, आपकी रियल लाइफ स्किल्स कितनी। तो ये एक छोटा सा बेसिकली बैकग्राउंड था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। पूरी सीरीज लेके आने वाले करियर गाइडेंस कोर्सेज की, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए।